Hello friends, how are you all? So today I am back with Active 2, passive negative. We have already learned how to change active sentences into passive, और उसमें तीनों tenses के मतलब present, past और future group के जो भी तीन तीन plus दो मतलब total आठ बनते हैं वो मैंने आपको previous videos में करवा दिया है. तो आज मैंने सोचा आपको negative के tips दे दिए जाए, बाकी rules वही रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है. आइडेंटिफिकेशन आपका सही होना चाहिए कि किस टेंस के लिए आपको पूछा गया है एक्टिव से पेसिव बनाने का. कोई ज़्यादा इसके अंदर अब ट्रिक नहीं रह गया है, जो भी ट्रिक्स थे वो हम लोगों ने सीख रखा है. बस थोड़ा सा आप फोकस करेंगे, अगले दो तीन मिनट में आप सीख जाएंगे. मैंने कुछ एक टेंस के लिख के रखे हैं, कुछ एक दो और लाइव करके बता दूंगा, कुछ बोर्ड पे लिख के रखे हैं पहले से ही, आंसर मैं लाइव करके बताऊंगा आपको, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. सो लेट्स सी कैसे होता है. ही डजंट प्ले क्रिकेट, ऑलरेडी हेडिंग में लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है. ये तो ही डजंट प्ले क्रिकेट, आपको ये पता लग गया पहली बात तो कि ये नेगेटिव है. और दूसरी बात आपको पता लगाना कि कौन से टेंस का, नेचुरली आपको पता लग ही जाना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है. उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है. जैसे आपको पता लग गया कि ये प्रेजेंट सिंपल का है, आपके दिमाग में इतना ही आना चाहिए कि इज आर एम और थर्ड फॉर्म में से ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको यूज करना है. दैट्स इट. सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ले जाना, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लाना, ये सब ऑलरेडी करना ही करना है, क्योंकि पेसिव में यही है कि ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है. तो अभी ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यहाँ लेके आ गया. ओके, उसके बाद में इनमें से मैं क्या चुनूंगा, हेल्पिंग वर्ब इज क्रिकेट के लिए सिंगुलर केस. प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड. लेकिन मुझे नोट लगाना है तो इसलिए मैं इसके पहले नोट लगाऊंगा. मतलब अब अपने को क्या ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आ जाना चाहिए. दिस इज व्हाट द ट्रिक इज. अब मैंने एक लिख के रखा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में होगा, या मैंने दो लिख के रखे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में होगा, तो उसमें नोट कैसे लगाएंगे वो भी देखना है. बहुत ही ईजी है, इट्स ऑल वेरी ईजी. सो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई, और नेचुरली ये ही है, यहाँ से उठ कर जाएगा, इधर आने वाला है, ये हो गया ही, आपका उत्तर तैयार हो गया. सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलता है, एंड क्रिकेट नहीं खेला जाता है उसके द्वारा. मान लो मुझे पेसी चाहिए ऐसा लिखने के लिए कि इस मैदान पर क्रिकेट नहीं खेला जाता है, सपोज इतना ही लिखना है मुझे, या बोलना है कि इस मैदान पर क्रिकेट खेला नहीं जाता, तो व्हाट आई हैव टू स्पीक, क्रिकेट इज नॉट प्लेड ऑन दिस ग्राउंड, हो गया आपका काम. फॉर दैट रीजन ओनली वी लर्न पेसिव. ये नहीं कि एक्टिव से पेसिव बनाना सीख लिया लेकिन डे टू डे लाइफ में उसको यूज नहीं कर पाए, फिर वो आधा अधूरा रह जाता है. सो फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको सीखना ही है, ऐसे आएंगे मल्टीपल इसके आंसर होंगे, या लिखना भी हो सकता है. लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको कोई भी टेक्स्ट को लिखना है या बोलना है किसी भी स्टेटमेंट को, तो आप इसका यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाट. अब नेक्स्ट में आ जाओ, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट. मैंने वर्ब वही रखा है, ऑब्जेक्ट भी वही रखा है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया है. क्यों, एक बार और रिमाइंड हो जाए आपको, प्रेजेंट सिंपल तो यू के साथ क्या हो, यूज होगा डू नॉट का. सेम वे सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट है. क्रिकेट इधर आ गया, इसके लिए ईजी आएगा, फिर नॉट आएगा, प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड. और बाई, और अब इस यू को मैं इधर लेके आता हूँ सपोज, तो ये यू का यू ही रहेगा और ये उत्तर आपको तैयार हो गया. सो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई यू, आपको समझ में आ गया होगा. अब ये लिया है मैंने, सी डिड नॉट राइट ए लेटर. सो मेरे बोलने से पहले आप जरा सोचो कौन से टेंस का है, पास्ट सिंपल का, करेक्ट. अब पास्ट सिंपल का है तो फिर आपको क्या याद रखना है कि यार ये उसमें तो मेरे को वाज या वर का यूज़ करना है, और थर्ड फॉर्म तो नॉर्मली है ही, तो वो का वो चीज़ जो हम लोग सीख चुके हैं. अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, ये क्या है वर्ब है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है. ए लेटर इधर आ जाएगा, ए लेटर वॉज, इसके लिए वॉज आ जाएगा. Not return, और ये C को मैं इधर लेके जाऊंगा तो by her, आपका उत्तर तैयार हो गया. उसने पत्र नहीं लिखा, पत्र नहीं लिखा गया उसके द्वारा, उत्तर ये हो गया इसका पेसिव. अब मैंने ये दो इसलिए लिए हैं ये वाले कि जिसमें आपको डबल हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा, तो उसमें क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट के बाद ही नोट लगा देंगे. जो ट्रिक है या टिप्स है वो यही है. राम इज नॉट राइटिंग ए लेटर, राम पत्र नहीं लिख रहा है,
ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ए लेटर इधर आ गया, ए लेटर के साथ में हम क्या यूज कर रहे हैं, इज, उसके बाद में नॉट आ गया, और अब आगे क्या जुड़ेगा, बींग। तो इसमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ गया, आपको याद रखना है कि इज आर एम तो यूज करना ही था, साथ में बींग जोड़ना है और वर्ब थर्ड फॉर्म है, बस इतना, वो का वही रूल है, बस नॉट ही तो लगाना है। सो इट्स सो इजी, सभी के वैसे बनेंगे। तो अब क्या बन गया, लेटर इज नॉट बींग रिटन, ये आपका उत्तर तैयार हो गया। और बाई, और किसके द्वारा, राम के द्वारा, राम वैसे के वैसे आ जाएगा। क्या हिंदी बन गई दोनों में से, दोनों क्या देख लेते हैं, राम पत्र नहीं लिख रहा है और पत्र लिखा नहीं जा रहा है राम के द्वारा, हो गया ना। अब आ जाते हैं, सी हैज नॉट पोस्टेड द लेटर्स, प्रेजेंट परफेक्ट का है, उसने पत्रों को प्रेषित नहीं किया है, नेगेटिव है, कोई बात नहीं। अगर आपको पता लग गया प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आपको क्या याद रखना है, हैज बीन, हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। लेकिन वही बात है कि इसमें था तो जैसे नोट लग गया यहाँ पे, अब इसमें भी दो हिस्सों में है तो इसके बीच में नोट आएगा, ये टिप्स है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभी द लेटर्स इधर आ गया, द लेटर्स ये हो गया, अब ये प्लूरल केस है इसलिए क्या आ जाएगा, है, इसके बाद में नोट आ जाएगा। सो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना था, ये नोट आ गया और इसके बाद में ये दूसरा वाला हेल्पिंग वर्ब था, अब यहाँ पे ये आ गया है और इसके बाद में ये नोट आ गया, अब क्या जुड़ेगा, बीन, पोस्टेड थर्ड फॉर्म पहले से ही है, पोस्टेड, और आगे बाई, और नीचे इसके लिख देता हूँ मैं हर, सी इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हर। तो करीब करीब वैसा का वैसे ही हो गया, जिसमें मैंने प्रेजेंट ग्रुप का ले लिया था, पास्ट का ले लिया, परफेक्ट का ले लिया। चाहो तो मैं एक और करके बता देता हूँ, चलो लिख के भी और करके, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। इसके बाद में जो वो भी क्लास लूँगा उसमें मैं आपको इंटरोगेटिव का टिप्स दे दूँगा, और आपका हो जाएगा पूरा का पूरा एक्ट टू पे सी। सपोज आई राइट ऑफ पास्ट कंटिन्यूस, सी वॉज नॉट मेकिंग टी, एक ये ले लिया पास्ट कंटिन्यूस का, ओके एक फ्यूचर ग्रुप से ले लेते हैं, ही विल, दोनों टाइप, दोनों साइड में प्रोनाउन ले लें, ही विल नॉट हेल्प यू, और आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला केस ही होता है कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, सो पास्ट कंटिन्यूस, नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर इन द माइंड, वॉज वर, बींग प्लस थर्ड फॉर्म, अब नोट लगाना है वॉज वर के बाद, नोट वाला हो जाएगा। सो केस क्या बनेगा उसके हिसाब से देखेंगे, टी इधर आ गया, ओके, वॉज नॉट बींग, और मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड, बाई, और ये सी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हर, आपका उत्तर तैयार हो गया। वो चाय नहीं बना रही थी, चाय नहीं बनाया जा रहा था उसके द्वारा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, हो गया आपका खत्म आज का ये नेगेटिव, ही विल नॉट हेल्प यू, दोनों साइड में मैंने प्रोनाउन ले लिया, यू इधर आ जाएगा, ओके, विल नॉट, अब क्या जोड़ना होगा, बी, तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर सिंपल का क्या होगा, विल बी, शैल बी थर्ड फॉर्म, अब विल के बाद नॉट आ जाएगा या शैल के बाद नॉट आ जाएगा, सो यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय, और ये ही इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही। तो ये मैंने आपको करके बता दिया, करीब 6-7 सेंटेंस हो गए, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस क्लास आल्सो, बट एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन ऑल दैट प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल and tell others also, because now we are moving ahead in the grammar, whole lot of grammar will be taught online till our classes starts, so please keep watching, keep telling others, thank you very much, stay at home, be safe, bye bye, see you again.